सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? दिस इज क्रिश कुमार, वेलकम बैक टू द चैनल। सो वैसे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ फिजिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो वैसे इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे क्लास टेंथ का, जो कि टर्म वन में आना है। सो गाइस, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट फॉल ऑन पॉलिश्ड सरफेस। सो गाइस, इसका मतलब है कि जब भी कोई लाइट पड़ती है किसी भी स्मूथ सरफेस पे, तो वो जो बाउंसिंग बैक होती है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सो गाइस, सेकंड लॉ है द इंसिडेंस रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल आल लाई ऑन द सेम प्लेन। सो गाइस, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो गाइस, जब भी कोई जैसे एयर से लाइट गई वाटर में, तो गाइस वो बेंड हो जाएगी। और गाइस, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू डेट ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। सो गाइस, ये कॉन्स्टेंट होता है, जैसे साइन आई अपॉन साइन आर। तो गाइस, इसके इक्वल टू में हम लोग कॉन्स्टेंट लिख देंगे, और एन टू वन, जो टू होता है वो साइन आर होता है, और जो वन होता है वो साइन आई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन मीडियम। सो गाइस, जो सेकंड मीडियम होती है वो वन मीडियम के रिस्पेक्ट होती है। सो गाइस, द इंसिडेंस रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मली आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये गाइस सेम ही है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। बेंडिंग टेंडेंसी, डेंसर टू रेयरर अवर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब गाइस डेंसर मतलब होता है जैसे वाटर से एयर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। सो गाइस, रेयर का मतलब होता है हल्का। तो गाइस, जैसे वाटर से एयर में गई तो जो उस पर परपेंडिकुलर ड्रो होगा जो, वो अवे फ्रॉम, उसको नॉर्मल कहते हैं। और गाइस, उससे दूर भागेगी अगर डेंसर यानी कि वाटर से एयर में गई। और फिर सो गाइस, अब आप देख सकते हो कि ये जो रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बन रहा है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। जी हाँ गाइस, और जो रेयरर से डेंसर में जाती है तब टू वर्ड्स द नॉर्मल, और इसका अपोजिट हो जाता है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव है वह छोटा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। सो गाइस, ये होता है। चलिए गाइस, देखते हैं रिफ्रैक्टर थ्रू द ग्लास स्लैब। सो गाइस, ये आप देख सकते हो वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, आप देख लेना। और अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो मैं आपको बताऊँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस, चलिए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। सो गाइस, ये मैंने कुछ पॉइंट NCERT से लिख लिए थे, जैसे कि आप देख सकते हो जो GA है वो ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है जो 1.5 है। मोर डेंसिटी, इसका मतलब है मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये गाइस सबसे बड़ी बात है, ये आप याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नो मीडियम वैक्यूम, मतलब नो मीडियम का मतलब वैक्यूम है तो क्या होगा, मीडियम वन साइन आई अपॉन साइन आर, तो एन की वैल्यू वन ही रहेगी। वो पहले टू होती थी वो अब नहीं होगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का वैल्यू दिया है, वाटर का, ये सब दिया है गाइस। अब आप फार्मूला देख लो गाइस, फार्मूला कुछ इस प्रकार है कि जो ये कुछ वैल्यू दी गई हैं इनको पुट करके आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। ये है एक फार्मूला, एक ये है, एक ये है, और ये है, ये आपको याद करने हैं क्योंकि गाइस इसका बहुत यूज होता है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन,
अब गाइस मिरर और लेंस रिफ्लेक्शन में होता है, मिरर और रिफ्रैक्शन में होता है लेंस। अब इसमें भी होता है कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनवेक्स लेंस। वैसे प्लेन भी होता है लेकिन इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो गाइस कन्वर्जन एक्शन, कन्वर्जन यानी ऐसी रे आ रही हैं, डाइवर्जन यानी ऐसी जा रही हैं, इसको कहते हैं कन्वर्जन और डाइवर्जन। सो गाइस आप देख सकते हो वही बनी है, जो कॉनकेव में है वो कुछ इस तरह सीधी सीधी जुड़ रही हैं और जो कॉनकेव में है वो वापस आ रही हैं। सो गाइस टर्म्स एसोसिएटेड टू लेंस ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर। सो गाइस आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको कुछ ऐसा लग रहा हो जैसे ये और ये बराबर है। देखिए गाइस कॉनवेक्स मिरर और कॉनवेक्स लेंस आप देख सकते हो जो कि कहीं ना कहीं सेम मिल रहे हैं। ठीक है गाइस कॉनवेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है आपको याद रखना है। इनकी प्रॉपर्टी एक ही होती है, इनकी और इनकी। जो कॉनकेव लेंस के साथ कॉनवेक्स मिरर चलता है और कॉनवेक्स लेंस के साथ कॉनकेव मिरर, बात वही है गाइस आप याद रखना। टर्म एसोसिएट टू द लेंस और एंड मिरर कॉनकेव मिरर, बस ये वही दिया है जो आपकी बुक में है। ये फॉर्मूला है और ऐसी लाइट आती है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसको कहते हैं इसको कहते हैं, ये सीधी लाइन है और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेंटर में होता है, जो थोड़ी इधर होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं इधर, और जो ये होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और ये हॉलो होता है उसी का। और इसको ऊपर आप देख सकते हो और पास में आ जाए तो इसको फोकस कहते हैं, और अगर और पास में आ जाए तो फोकल लेंथ होती है, यही जो फोकस से पोल तक की दूरी के तय करती है। तो गाइस ये है फॉर्मूला कॉनवेक्स लेंस, इसमें भी कुछ यही है, इसमें हम लोग सेंटर मानते हैं, इसमें लेंस में थोड़ी ना सेंटर होता, तो इसमें हम F1 F2 मानते हैं, F1 F2 जो कि फोकल लेंथ को बताता है। सो गाइस ये हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट रेज हैं जो कि मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप देख लेना एक बार अच्छे से, आपकी बुक में भी दी गई हैं। सो गाइस ये मैंने बना ली थी, वैसे बुक से ही देख लेता तो सही रहता। चलिए गाइस अब देखते हैं पावर ऑफ लेंस। सो इसको कहते हैं डायप्टर, लेंस की पावर को, जैसे हम लोग जाते हैं ना कहीं तो वो बताते हैं कितने पावर का लेंस है, तो वो डायप्टर में बताते हैं। और जो पावर की वैल्यू होती है वो 1/F यानी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होगा, कॉनकेव में होगा एफ जो पावर माइनस होगी, कॉनवेक्स में होगा प्लस जो कि पावर जुड़ेगी। द डिग्री ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वाटर पावर। सो गाइस ये फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, मैग्नीफिकेशन अगर आप ये याद करना चाहें तो ये कर लेना, वरना मैंने एक और डेफिनेशन इसमें लिखी है वो मुझे काफ़ी इजी लगी। सो गाइस हम लोग यहाँ समझ लेते हैं इसको, m = h/h जो h होगा -v/u होगा, और जो h डैश होगा वो -v/u होगा, और जो h अकेला होगा वो v/u। मिरर हमेशा क्या होता है, ये आपको मैंने एक ट्रिक बताई है कि मिरर हमेशा होगा मैग्नीफिकेशन में माइनस, मिरर मैग्नीफिकेशन में माइनस होगा, ये आपको MQ से याद करना है तो आपको लेंस अपने आप याद हो जाएगा। सो गाइस अब हम लोग इसको देखते हैं, ये है साइन कन्वेंशन, आप देख सकते हो ये है साइन कन्वेंशन, और इसी को कहते हैं, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ये ऑलवेज आपको काम आनी जो कि है v = -ve, ये हमेशा अगर आपको उसमें दी गई है किसमें सवाल में तो आपको यही पुट करनी है, और h हमेशा प्लस में होगा, और जो
लेंस एंड मिरर प्लस इन कॉनवेक्स माइनस इन कॉनकेव फार्मूला होते हैं ये फार्मूला जो भी याद कर लेना। और मैग्निफिकेशन माइनस एंड प्लस नंबर नेचर होता है साइन प्लस का होता है वर्चुअल इरेक्ट। अब वर्चुअल इरेक्ट ये है वर्चुअल इरेक्ट ये है रियल इन्वर्टेड। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब है कुछ पीछे बन रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा हम लोग सिर्फ वो सीधा बन रहा और ठीक है गाइस। और रियल इन्वर्टेड का है उल्टा। अगर जो आपने किसी ने पूछा कि जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है अगर आपका बन से कम आया वो तो वो छोटा होगा साइज में। अगर बन के बराबर आ गया तो सेम साइज अगर बन बड़ा है तो एन लार्ज। यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस सो गाइस ये है सेविंग मिरर्स जूम इन टॉर्च डेंटिस्ट मिरर ये गाइस जूम इन करता है आप ये याद रख लो तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल साइड मिरर जूम आउट विजिलेंस मिरर स्ट्रीट लैंप ये सब होता है। यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस ये टेलीस्कोप ये कॉनकेव उल्टा है जैसे कॉनकेव मिरर करता है जूम इन कॉनकेव लेंस करता है जूम आउट और कॉनवेक्स मिरर करता है जूम आउट कॉनवेक्स लेंस करता है जूम इन। ये आपको कुछ ये दिए गए हैं मैंने लिख दिए थे आप याद कर लेना। अगर आप इतना याद रखोगे तो भी आपको माइंड में आ जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। अब गाइस देख लेते हैं मैग्निफिकेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द अपेरेंट साइज नॉट फिजिकल साइज ऑफ समथिंग दिस एनलार्जमेंट इज क्वालिफाई बाय अ कैलकुलेटेड नंबर आल्सो कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सो गाइस ये है जो हमारा मैग्निफिकेशन है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टेलीग्राम में इस PDF की लिंक है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इसको ज़रूर डाउनलोड करना। और चलिए कीप सपोर्ट एंड कीप रनिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू।